देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब को, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया ताई सूले को, और हमारे जो राष्ट्रीय युवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र भाई शर्मा को, जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, विश्वास रखा है। मैं पहले से जुड़ा हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ। मैंने 2-2.5 साल राष्ट्रवादी डॉक्टर सेल में जिला उपाध्यक्ष पद पर काम किया हूँ। जब कोविड की स्थिति इतना बड़ा चैलेंज था, तब हमने पूरा जिला में पूरे PSC को कोविड वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सही तरीके से, ग्राउंड लेवल पे लास्ट इंसान तक सबको वैक्सीन मिलना चाहिए, सब मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, ये हमने वो उसमें फोकस रखा। और पुणे जिला ग्रामीण इतना बड़ा जिला होके भी पूरी अच्छे से जिम्मेदारी निभाते हुए, मुझे इस वजह से पार्टी अध्यक्ष धीरज भाई ने और हमारे वरिष्ठ सब नेताओं ने मुझे प्रमोशन दे के आज दिल्ली में महासचिव पद दिया है। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या लगता है जिस प्रकार से ये 26 दलों की चुनौती है और प्लस NDA का गठबंधन है, मोदी जी को जो लोग चुनौती देने के बीच में लगे हुए हैं, लगातार मंथन चल रहा है, उसमें आप कितना सहयोग दे पाएंगे? नहीं, ज़रूर, अभी इंडिया अलायंस बनी है जिसमें ऑलमोस्ट 25+ पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी हुई हैं, तो सबका ये गठबंधन बहुत अच्छे से, अभी जितने भी आपने देखा हो अच्छे से मीटिंग डिस्कशन चल रहा है, सब एक फोकस होके पूरे ताकत से इसमें लड़ रहे हैं। बहुत ही बड़ी टफ फाइट इसमें रहेगी, कि जो आप अगर आपने सर्वेस देखे होंगे तो ये ऑलमोस्ट 50-50 सर्वे अभी पूरे देश में चल रहा है और सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा नियोजन हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से पूरे दिल्ली में NCR में किया जाएगा। युवाओं को एक साथ, जो जितने भी युवा हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो हम जोड़ना चाहते हैं इसमें। सर, आप एक युवा भी हो और पढ़े लिखे युवा हो और आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हो, तो और इस समय जो बेरोजगार युवा हिंदुस्तान में है, जिसकी हमेशा बातें चल रही हैं और जहाँ प्रधानमंत्री हर समय यूथ की ही बात करते हैं, वो उसमें जो परेशान युवा है, उनके लिए आपका एक सख्त संदेश क्या होगा कि आपके साथ कहते हैं? नहीं, जरूर जरूर, हमेशा BJP सरकार हो, मोदी जी हो, हमारे प्रधानमंत्री, हमेशा ये बोला जाता है कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 9 साल में 18 करोड़ का रोजगार होना चाहिए थे, जहाँ पे हम देख पा रहे कि कोई भी रोजगार नहीं यहाँ पे मिल रहा है। हमारे युवक पढ़े लिखे तो है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो होनी चाहिए, जो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, वो सही से ढंग से यहाँ पर नहीं आ पा रही है, उनको अच्छा सा नियोजन ये BJP सरकार नहीं कर पा रही, इस वजह से हमारे युवा बहुत यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। सर, ये जो इंडिया गठबंधन है, क्या इसमें सबसे सीनियर लीडर आपके सुप्रीमो हैं शरद जी, क्या इनको मौका नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या विचार है? नहीं, देखा जाए तो अभी जो अपोजिशन अलायंस बना है हमारा इंडिया अलायंस, तो इसमें पूरी जो दौड़ है तो यह सब कुछ शरद पवार साहब के ऊपर ही है। शरद पवार साहब सुप्रीमो लीडर है इसमें, जितने भी आपने देखा होगा मीटिंग्स हो रही है, पवार साहब ने सबसे अच्छा वहाँ पे एड्रेस किया है हर पार्टीज़ को। एक हमारे बहुत बड़े नेता पूरे इंडिया में है शरद पवार साहब, तो आप कह रहे कि वहाँ पे मौका मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली जो चुनौती है कि सबको एक साथ गठबंधन में आना है BJP सरकार के विरुद्ध, और वो बाद में बात होगी कि प्रधानमंत्री के लेवल पे कौन वहाँ पे पोस्ट में होगा। वो आप अब दिल्ली के मतदाताओं को, दिल्ली के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे जोड़ना चाहेंगे कि आपके मिशन के साथ लोग? जरूर, मैं दिल्ली के लोगों को, पूरे NCR के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के माध्यम से, हम बहुत सारे यहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, चाहे लीगल कैंप्स हो, मेडिकल कैंप्स हो, जॉब फेयर्स के, जो बेरोजगारी का भी जो प्रॉब्लम्स चालू यहाँ युवाओं के लिए, तो वो हम वहाँ पे फेयर्स वहाँ पे करने वाले, मेडिकल कैंप्स यहाँ पे करने वाले, छोटे छोटे कस्बे या फिर जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही, जो ये काम दिल्ली सरकार का है, BJP सरकार का है, वो नहीं हो पा रहा है सही से, तो उसमें हम पूरी तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक नई चेतना वहाँ पे, नई दौड़ देना चाहते हैं, और एक अगले विधानसभा इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शन के लिए हम पार्टी का नाम अच्छे